नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मधुमक्खियों को पाल कर आओ, एक तरफ पैसे कमा सकते हैं, दूसरी तरफ अपने खेतों में ज्यादा उपज भी ले सकते हैं। तमाम फायदे हैं मधुमक्खी पालन को लेकर। हमारी टीम ने ऐसे ही एक केंद्र का दौरा किया, जानने समझने की कोशिश की मधुमक्खी किस तरीके से पाले जाती है, किस तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। देखिए हमारी मधुमक्खी को लेकर ये खास। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव में अरुण द्विवेदी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करके कमा रहे लाखों रुपए। यही नहीं, अरुण द्विवेदी मधुमक्खी किस तरीके से पालनी है, किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है, आम लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है, मधुमक्खी पालन एक बेहतर व्यवसाय बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा जिले के बैकुंठपुर के पिपरी गांव में। जैसा कि मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, जरा एक निकालिए इसको। पहले तो आप इनको देखिए, हैंड ग्लव्स, मुंह रक्षक जाली, पूरा जाली। अब ये क्या निकालने जा रहा है बात, इसको लेकर जरा निकाल के दिखाइए। आप अपने स्क्रीन पर एक बॉक्स से एक चीज निकलती हुई देख रहे होंगे। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये है शहद बनाने के लिए पाली गई मधुमक्खी। इसका सीधा सा अर्थ है, आज मैं बात करूंगा मधुमक्खी किस तरीके से पाली जाती है, किस तरीके से इसकी देखभाल होती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मधुमक्खियां चार तरीके की होती हैं। आज ये बताइए संक्षेप में, पूरा प्रोसेस पहले समझाइए हमारे दर्शकों को। जी सर, मैं अरुण द्विवेदी, ग्राम पिपरी से। हम ये मधुमक्खी का कार्य पालन शुरू किया था 2013 से, और 2013 से लेकर के आज हमारे पास 1500 बॉक्स हो गए हैं। और इसमें जो हमने प्रशिक्षण डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ से बच्चों को उनके द्वारा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन करना आवश्यक है, क्यों, उसके विषय में हम बताना चाहेंगे कि इनमें जो हमारे मधुमक्खियों को प्रकार होता है और उनसे लाभ होता है। तो चार प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं और उनसे लाभ क्या क्या होता है और उनमें कार्य क्या क्या होता है। चारों मधुमक्खियों के नाम बताइए। पहला होता है जो अपने इंडियन तीन मक्खियां हैं, जिसमें एक एपिस डार्सेटा है, दूसरा एपिस सिराना इंडिका है, तीसरा एपिस फ्लोरिया है, और चौथी मक्खी हमारी इटलियन जो है एपिस इटलियन। इटलियन मक्खी की बात कर रहा हूं। आप अपना स्क्रीन पर देखिए, ये सारी मक्खियां इंडियन नहीं है, इटली से आई हुई मक्खियां हैं। आज आपको जहां भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय होगा, आपको इन्हीं मधुमक्खियों से शहद निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब जरा प्रोसेस जल्दी से बता दीजिए। प्रोसेस में सर, मैं ये चाहता हूं कि अगर लोगों तक संदेश जाता है और मधुमक्खी पालन उनको आवश्यक है, और अगर किसी में तर्क आता है कि क्यों आवश्यक है, तो ये मैं बताना चाहूंगा संदेश के द्वारा कि 8 तरह का फायदा इस मधुमक्खी पालन से होता है। कृषकों को प्रथम, जो कि कृषि 8 तरीके का, उसके आगे जो 8 तरीके का हमारा होता है, तो कृषि का प्रोडक्शन मिलता है जो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ है, और दूसरा शहद होता है, प्रोटीन पॉलन होता है, मोम होता है, रॉयल जेली होता है, प्रोपोलिस होता है, बी वैक्स होता है, और इनका खुद का सृजन। ये बताइए, एक मधुमक्खी के बॉक्स से कितने तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं? इसमें आप समझें कि मधुमक्खी पालन से एक तो हमको सीख मिलती है, दूसरा हमारा लाभ, आर्थिक लाभ जो है, तो इसको 10 तरह से लाभ है, क्योंकि एक तो सिखाव मिलता है, और दूसरा जो हमारा लाभ जितने रत्न मैंने बताया, क्योंकि लोग केवल अभी तक कृषि के अन्न में ही ध्यान देते हैं, पर जो हमारा फूल होता है, तो फूल से जो मतलब इसमें रत्न निकलते हैं कीमती, उसके तरफ कृषक ध्यान नहीं देता। उस फूल से रत्न निकालने का कार्य सिर्फ हमारी मधुमक्खी कर सकती है। फूल से परागण, इसका सीधा सा अर्थ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा लाभ होगा। मधुमक्खी पालने का सबसे बड़ा फायदा यही है।
अब ये बता दीजिए कि किस तरीके से आप ये किस तरीके से लोगों को सिखाते हैं। अब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब इससे आपको लाभ, जैसे 8 प्रकार का मैंने बताया, तो उससे 8 प्रकार के लाभ जो है किस किस तरह से आप ले सकते हैं। तो पहला था आप कृषि से ले सकते हैं, जो हर किसान परेशान है, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, उससे प्रोडक्शन का सबसे प्रथम जोड़ आता है। दूसरा आता है कि आर्थिक लाभ के लिए हम डायरेक्ट उससे साहत पा जाते हैं। ये तो बात हुई 8 तरीके से हम इसके लाभ ले सकते हैं। अंतिम में बिल्कुल संक्षेप में असली शहद की पहचान, असली शहद की पहचान तो ये है सर कि जो हमारी मशीन के द्वारा शहद हमारी निकाली जाती है फ्रेमों से, कॉलोनियों से, वो हमारे कोई भी मोम, कोई भी अंडे, बच्चे, लार्वा उसमें मिक्स नहीं होते। तो उससे निकालने के बाद प्रोसेस जो करते हैं, पहचानेंगे कैसे? अगर हम बाजार में जा रहे हैं शहद लेने, तो पहचानेंगे कैसे असली या नकली? पहचानने का मतलब उसका एक 3 से 4 प्रकार तरह है पहचानने का एक तरीका। पहला नंबर तो अगर किसी बाटल में रख लिया जाए और नीचे से ऊपर देखा जाए, ले आओ जल्दी से उसको थोड़ा सा, हाँ तो भी हम दिखाते भी रहते हैं गाड़ी में, तो उसको अगर देखा जाए तो उसमें नीचे से ऊपर तक कलर का बनावट ओरिजिनल का बता देगा। दूसरा उसकी खुशबू जो है, तो ढक्कन खोलने से ही समझ में आएगा। और तीसरा अगर प्लेन कांच के गिलास में पानी में डाला जाए, तो पानी में हमारा ओरिजिनल शायद होगा, कोई मिश्रित नहीं होगा जब तक हम उसको घोल नहीं देते। ये बड़ी बात है, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, असली शहद की पहचान, पानी में डालिए, शहद अलग दिखेगा, पानी में बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, ये शहद की सबसे बड़ी पहचान। ये थे हमारे साथ, क्या नाम बताया? अरुण द्विवेदी। ये थे हमारे साथ अरुण द्विवेदी जी, जिन्होंने अपने रीवा शहर में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को काफी बढ़ाया है, और ये चाहते हैं कि इसी तरीके से तमाम लोग मधुमक्खी को पालें, जिससे सबसे बड़ा फायदा कृषि के क्षेत्र में होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा, ज्यादा लाभ होगा, पालने की जरूरत नहीं। पालने का प्रोसेस आपने बता दिया, अपने घर में कहीं पर भी बॉक्स को रखिए, मधुमक्खी अपने पास पल जाएंगे, इनको खिलाने की कोई जरूरत नहीं। आपके खेत के चारों तरफ, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा, यहाँ चारों तरफ आपको जिस तरीके से सरसों उगी हुई दिख रही, पीले फूल सरसों के हैं, इसी से ये शहद इकट्ठा करती हैं और यहाँ पर लाती हैं, एकत्र करती शहद बनाती हैं। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।